हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक है। मैं निमि सामंत आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी कर रही थी मैं थोड़ा बहुत काम, झाड़ू पोछा, नहाना धोना तो मैंने कर लिया है, दिव्यांश को भी स्कूल छोड़ दिया है, बस आयु को रेडी करना है, खुद तैयार होना है, झाड़ू पोछा करना है। अब इसके पापा नहीं आए हैं, वो आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर जाएंगे हम फिर से रोज की तरह शॉप में। तो गाइस, ये रहा एलोवेरा, इतना यहाँ पे लगाया है, इतना ही यहाँ पे लगाया है। देख तो देखते हैं कौन सा वाला लगता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सूख जाएगा, ये वाला हरा ही है, पता नहीं कौन। तो देखते हैं कौन सा वाला एलोवेरा लगता है और कौन सूखता है। फूलों की हालत ये है, मैं रोज पानी दे के जाती हूँ। ये वाले फूल में थोड़े से फूल आए हैं, ये तो बिल्कुल सूख चुका है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो गाइस, यही हो रहा है। आप लोग मेरी वीडियो पूरी पूरी देखो और देखो कि मैं घर, दुकान और बच्चों को, तीनों को कैसे संभाल दूंगी एक साथ, सारा कुछ आप लोगों को पता लगेगा। शॉप का तो बस ऐसे ही है, अभी जाएंगे फिर वही, मैं तो आज दिन का खाना भी बना के ले जाऊंगी, वहीं दिन में वहीं खाएंगे। बाहर रूम पे आओ फिर दुकान जाओ, ऐसा लगता है या तो रूम पे रहो या तो दुकान ही जाओ, पागल हो जाते हैं इधर उधर करने। इससे अच्छा एक ही जगह रहो, रूम पे दिव्यांश के कपड़े मिल जाओ, वहाँ चेंज करो, आराम से बैठे रहो, उसको वहीं पढ़ा लिखा लो, अपना दोनों चीज हो जाता है। तो गैस, मैं कर लेती हूँ जल्दी से अपना काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गैस, हम लोग हो चुके हैं रेडी दुकान जाने लग गए, ताला वाला लगा, तू चलाएगा। तो गैस, हम निकलने लगे हैं रूम से। और ये रहा आज का मौसम, बहुत तेज धूप खिली हुई है और बहुत गर्मी हो रही है, और मेरे पापा और आयु बैठ चुके हैं स्कूटी पे, और चलते हैं अब। तो गैस, हम लोग आ गए हैं रूम और रूम याद आता है, तो हम लोग आ गए शॉप पे पहुंच चुके हैं। और शॉप पे पहुंचने के बाद अभी मैं कर रही हूँ साफ सफाई, साफ सफाई करते करते अभी तीन कस्टमर आ चुके हैं और तीनों ने कुछ ना कुछ खरीदा था। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा है सुबह से ही, आगे को देखते हैं कैसा होता है। आयु ने भी यहाँ आके बस ऐसे खलेरा मचा रखा है अभी तो, कार्टून। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ ना, कस्टमर ये ले जा रहा है, क्योंकि इसको दिखाना पड़ता है कार्टून, तब जाके कस्टमर को कुछ चीज़ें देनी पड़े। मैं झाड़ू लगाई रही थी तभी फर्स्ट कस्टमर आया, फिर मैं और वही मतलब सफाई करी रही थी तो कस्टमर आते गए तीन आए। तो पहले ने मैक्सी ली थी, दूसरे ने जींस टॉप खरीदा था, तीसरे ने सिर्फ टॉप खरीदा था। तो आज का दिन तो अच्छा ही जा रहा है, स्टार्टिंग तो अच्छी है, बाद में देखते हैं कैसा होता है। फिर दिव्यांश को लेने भी जाएंगे थोड़ी देर में उसके पापा, 11 बजे आते हैं हम लोग, तो 1 घंटे के बाद तो उसका टाइम भी हो जाता है, और 1 घंटा तो कस्टमर को देखने दुखने में लग गया, अभी सफाई भी नहीं हुई है। और आज मैं बत्ती भी नहीं जलाऊंगी क्योंकि आज गर्मी हो जाएगी, नहीं तो अंदर ना, क्योंकि आज है पावर कट दुकानों का, लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी। कस्टमर इस वजह से भी सोच रहे हैं कि चेंजिंग रूम में भी नहीं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। तो देखते हैं आज क्या होता है शाम तक का, फिर बताते हैं आप लोगों को, दिखा इसलिए नहीं, वो तो मैंने बताई। तो गाइस, दिव्यांश भी आ गया है, ये रहा इधर है, इसके कपड़े भी चेंज करा दिए और लंच भी करा दिया है मैंने। मैं घर से आलू चावल बना के लाई थी नमकीन वाले, मैं इनका उधर ही खा लेंगे आज ऐसे सोच के लेके आई थी, लेकिन आज इधर लाइट ही नहीं है, बस ऐसे परेशान हो रहे हैं ना हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लाइट की वजह से। यह दिव्यांश ने कपड़े पर चेंज किए, इसने भी लंच किया, आयु तो लंच करने के बाद केला खा रहा है, देखो इसका पेट तो कैसे ही नहीं बढ़ता है, कितना ही खिलाओ इसको, कुछ भी खिलाओ परेशान ही करता है ये लड़का। यहाँ आके दोनों ने पोटी भी करनी होती है, सब कुछ करने होते हैं। आयु ने एक ड्रेस चेंज कर दी, पूरी ड्रेस जो मैं पहना के लाई थी वो चेंज कर दी है, दूसरे कपड़े पहन लिए हैं। दिव्यांश ने नहीं करी अभी तक, वही स्कूल वाली ड्रेस चेंज करे। चलो गाइस, अभी तो कस्टमर नहीं है और लाइट भी नहीं है, देखते हैं कब तक लाइट आती है और कब तक कस्टमर आते हैं। दिखा तो नहीं पाऊंगी आप लोगों को कस्टमर, क्योंकि दोनों को फोन देके फिर कस्टमर को देखना पड़ेगा ना, उसको सामान दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों के साथ तो बस ये लोग कुछ दिखाने देंगे, रोते 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 रहेंगे, सच्चा फिर अपना काम करेंगे अलग से। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस, फाइनली आ चुकी है लाइट, सुकून मिला, एसी भी चला दिया मैंने, तो पंखा भी चला दिया, सब चला दिया है, इतनी गर्मी लग रही थी ना, ज़्यादा तो नहीं लग रही थी बाहर पे, मतलब जो आगे बैठ के अंदर को ज़्यादा थी, बाहर को कम थी,
तो अभी शांति मिल गई है, बैठ गए। और इन दोनों को भी सुलाती हूँ मैं जल्दी से, बहुत टाइम हो गया इन लोगों का ऐसे ही जाग रहे हैं तब से। अब थोड़ी देर सो जाएंगे, क्या पता कस्टमर आने का टाइम हो, कस्टमर आएंगे तो ये लोग सोए रहेंगे, सही रहेगा ना, इसलिए इन दोनों को सुलाती हूँ, फिर करती हूँ और काम। थोड़ी सी तुरपाई कर रही थी, ब्लाउज लाई थी ना, तो ब्लाउज में तुरपाई कर रही हूँ और सुलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गैस एसी की हवा में सो गया आयु, अभी गुन्नू रह गया है। गुन्नू बोलता है मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, तो ये कर रहा है पढ़ाई। तो वैसे देखो ये बोल रहा है मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, तो ये पढ़ाई कर, थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, अभी तो कोई कस्टमर है नहीं, ये भी सो जाए तो अच्छा है थोड़ी देर, तो इसके बाद इसको भी सुलाऊंगी मैं। तो गाइस एक कस्टमर अभी आया था, तो उनने एक टॉप लिया, वो भी चला गए हैं। और दिव्यांश कर रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है, सोया ही नहीं, जहाँ से सुला रही थी फिर कस्टमर आ गए, फिर उनको जो चाहिए था वो था नहीं, फिर वो चले गए, फिर और आ गए, ऐसे करते करते ये सोया ही नहीं, अब इसकी नींद टूट गई तो अब नहीं सोएगा ये, ऐसे ये चीजी चीजी कर रहा है। अब यही काम है इसका दुकान में आके, जितना कमाई नहीं होती चीजी 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 करके खत्म कर देते हैं। तो गैस अभी मिलते थोड़ी देर में, देखते हैं अभी कितने कस्टमर होते हैं आज के। तो गैस हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पे, उसके बाद इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरे को पता ही नहीं लगा मेरे फोन का चार्ज भी खत्म हो गया और मैं चार्जर ले जाना मैं भूल गई थी, अभी तक मेरा फोन स्विच ऑफ था। फिर मैं इसके पापा के साथ रेस्टोरेंट गई, वहां जाके हमने शेक वगैरह पिया और थोड़ी देर चार्ज करा, थोड़ा फोन चार्ज हुआ, फिर मैं आ गई रूम पे। और अभी अभी पहुंचे हम लोग रूम पे, अभी 9:30 हो चुका है, अब मेरे को बनाना है डिनर। तो गाइस बना लेती मैं डिनर और इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।